सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग चुनके मस्त होंगे। जैसा कि आपने देखा है मेरे प्रीवियस में, इस प्रकार के वीडियोस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही इजी सा मेथड है और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा कि आप भी इस तरीके की वीडियो को बहुत ही इजी तरीके से क्रिएट कर पाएंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे कि मेरी ऐसी ही न्यू ट्रेंडिंग वीडियोस आपको सबसे पहले मैं दे सकूँ। सो गाइस, इतना करने के बाद आपको वीडियो को लाइक कर देना, एक तरह से कमेंट भी कर देना, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सो गाइस, ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं अपने मेन स्टेप या फिर अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, यहाँ पर आपको करने का होगा, आप अपने फ़ोन में VN एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना होगा। अगर आपके फ़ोन में VN एप्लीकेशन नहीं तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे अपने VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देन यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर इधर फोटोज पे आ जाना है, कोई भी फोटोज को आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाली पिक को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ, तो गाइस मैंने यहाँ पर इस पिक को यहाँ पर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे ओरिजिनल का ऑप्शन टॉप सेंटर पे आपको मिला होगा, यहाँ पे आपको 9.16 का टिकटॉक साइज आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इस इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको करने का होगा इस इमेज की जो ड्यूरेशन है, लेंथ को अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर लेना, जिस प्रकार से आपकी लेटेस्ट की वीडियो हो उतने अकॉर्डिंग इसकी इंक्रीज, मतलब इसकी जो लेंथ है इसे आपको इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे आपको करने का होगा, यहाँ पे आपको लेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लेयर पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ सबसे पहले PNG को ऐड करना हो, जिस PNG को मैं यहाँ पर ब्लैक शैडो के नाम से यहाँ पर जानते हैं, तो उस PNG को यहाँ पर मैं ऐड करने वाला हूँ। सो गाइस, आपको कुछ इस प्रकार से इस इमेज को मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो गाइस, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर देना है। एंड इतना करने के बाद यहाँ पे आपको करने का इस इमेज को जो भी अभी अभी आपने ऐड किए, तो ऐड करने के बाद इसे आपको यहाँ पर फुल वीडियोस में ऐड कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से इसी लेयर वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको वीडियोस एंड फोटोज पे जाना है, उसके बाद में यहाँ पे किसी एक लेडीज की वीडियो को ऐड कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको इसे इस प्रकार से यहाँ पर नीचे करने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ब्लेंडिंग का ऑप्शन, जिससे यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसे यहाँ पर आपको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद इस डन के ऑप्शन पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पे मेरी जो लेयर्स की वीडियो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस, यहाँ पर आपको इस लेयर्स की वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर देना है, जिससे कि आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको देख लेना है कि आपकी जो यहाँ पे ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं। अगर आपकी इमेज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, उसके बाद में लेयर्स की वीडियो को भी देख लेना है कहाँ तक मेरी जो लेयर्स की वीडियो है ऐड हो रही है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर 14-15 सेकंड के आसपास की आपको वीडियोस को बना लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको करने का होगा इस लेयर वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद वीडियोस एंड फोटोज पे जाना है, और यहाँ पर एक पार्टिकल वीडियो को, जो कि पार्टिकल क्लिप्स को आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए वीडियोस एंड फोटोज पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर किसी भी एक पार्टिकल वीडियो को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो गाइस, मुझे यहाँ पे पार्टिकल वीडियोस मिल गई। यहाँ पे जो भी ऑल मटेरियल यहाँ पे यूज होगा वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा, पहले ज्वाइन तो करो। उसके बाद में यहाँ पे इसकी जो लेंथ है यहाँ पे फुल है, उसके बाद में यहाँ पे आपको करने का होगा इस यहाँ पे ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको फिट या फिल का ऑप्शन यहाँ पे मिला होगा, तो यहाँ पे आपको फिट कर देना है। फिट करने के बाद यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिला होगा, इसे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको डन वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे एक स्टिकर लगाना है, तो यहाँ पे हमें फिर से इस लेयर वाले ऑप्शन पे टैप करना है, वीडियोस एंड फोटोज पे जाना है, और यहाँ पे आपको इमेज पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे आपको इस वाली इसको यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको फिर से ब्लेंडिंग का ऑप्शन शो होगा, यहाँ पे आपको इसे स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे आपको डन पर क्लिक करने के बाद इसी इमेज को यहाँ पर आपको ऐड कर लेनी है। ऐड करने के बाद इसे फुल वीडियोस में ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे ऐसा नीचे इस प्रकार से आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपकी जो वीडियोस है प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हो गई। सो गाइस, यहाँ पर इस लेडीज की वीडियो पर टैप करना है। टैप करने के बाद इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को यहाँ पर
फुल कर देना जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम होती है यहाँ पे ऑफ ही होती है। तो गाइस यहाँ पर आपको करना ही होगा, मैं इसका जो प्रीव्यू है यहाँ पे प्रीव्यू आपको दिखा देने वाला हूँ, उसके बाद मैं वीडियोस को एक्सपोर्ट करने का प्रोसेस भी बता दूंगा। तो गाइस यहाँ पर इस इमेज पर अगर मूव मतलब करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही इजी सा मेथड है और आपको यहाँ पर की फ्रेम ऐड करने होंगे। तो गाइस मैं यहाँ पर की ऐड कर रहा हूँ, इस प्रकार से आपको की ऐड करते जाना है करते जाना है करते जाना है और आपके फोटो में की ऐड हो जाएगी। कुछ इस प्रकार से आपको की ऐड कर देनी है, ऐड करने के बाद यहाँ पे इस यहाँ पर की पर लाने के बाद इस इमेज को यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसे मूव ऐसे कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, आने के बाद यहाँ पे इसे कुछ इस प्रकार से मूव कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना होगा, तभी जाके आपकी जो वीडियो से अच्छे से बन जाएगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो गाइस यहाँ पर आपने देखा है कि ऐसे भी अपनी फोटो को स्टेबल करने के बाद भी वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे मूवमेंट भी करा के इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं की फ्रेम की हेल्प से। दोस्तों गाइस यहाँ पर आपको करने का हुआ इस एक्सपोर्ट वाले तीर वाले ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ फुल कर देना है। फुल करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है एक्सपोर्ट ओरिजिनल का, उसे आपको यहाँ पर ऑफ ही रखना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको स्टैन वाले ऑप्शन पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जो भी आपकी वीडियोस होगी प्रॉपर तरीके से आप गैलरी में एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गई है। सो गाइस आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। सो गाइस अगर आप इस वीडियो को देख के आपको नॉलेज मिल गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, प्लस कमेंट भी करें और अगर वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।